अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद। सीसीएनए की हमारी ट्रेनिंग जारी है। आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की स्टैंडर्ड साइड पर जो पहली लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। गाइस, एप्लीकेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर से डाटा को दूसरे कंप्यूटर में सेंड करे तक लेकर जाए, सेंडिंग लेकर जाए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक लेकर जाए, चाहे वो आपकी वीडियो कॉल हो या वॉइस हो या टेक्स्ट मैसेज हो। जैसे कि हम स्काइप यूज़ करते हैं, स्काइप एक किस्म की एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे ब्राउज़र हो गए, मतलब जब हम www.google.com लिखते हैं तो ये एक तरह के हम किस चीज़ पर लिख रहे होते हैं, किसी ब्राउज़र पर जाकर लिख रहे होते हैं। ब्राउज़र हमारा गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, फेयरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउज़र जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, इन सब पे हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो एक किस्म के ये भी हमारे सॉफ्टवेयर हो गए या एप्लीकेशंस हो गई। उसके बाद हमारी विंडो है, वो भी इसी तरह का एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये इसके ज़रिए भी हम डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन जिस लेयर पर काम कर रही होती हैं, ओ एस आई मॉडल की लेयर्स, सातवीं लेयर फिजिकल एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे सॉफ्टवेयर जो मतलब वर्क कर रहे होते हैं, ये हमारी ओ एस आई मॉडल की सेंटर साइड पे जो सातवीं लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उस पर वर्क कर रहे होते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर का काम है डाटे को सेंड कर देना सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, ठीक है। बाकी मैंने आपको तफसील बताई। दूसरे नंबर पे आती है प्रेजेंटेशन लेयर, इंश्योर दैट डाटा इज़ एन यूजेबल फॉर्मेट एंड इज़ वेयर डाटा इनक्रप्शन अकर, ठीक है। ये क्या है, ओ एस आई मॉडल की छठी लेयर है, इसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है दो हिस्सों में बटी हुई होती है, एक है ट्रांसलेशन और दूसरा है इनक्रप्शन। मतलब क्या है, ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि इस प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि डाटा को चेक करना कि वो यूजेबल फॉर्मेट में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे ट्रांसलेट करके दूसरे फॉर्मेट में प्रोवाइड करना। मतलब मैं आपको इसका थोड़ा सा मिसाल देता हूँ कि सेंटर साइड पे जो बंदा यूज़र बैठा है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, वो है उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरी रिसीवर साइड पे जो इसका हम पल्ला प्रेजेंटेशन लेयर पे जो बंदा बैठा है वो यूज़ करता है, वो चाइनीज़ है, ठीक है। अब जो उर्दू वाला है उसे चाइनीज़ की समझ नहीं आ रही, और जो चाइनीज़ है उसे उर्दू वाले की, पाकिस्तानी की समझ नहीं आ रही। तो इस लेयर का काम क्या होता है, उस लेयर को चेक करना और देखना कि आगे जो बंदा बैठा है वो किस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ट्रांसलेट करना, ठीक है। ट्रांसलेट करके उसे आगे प्रोवाइड कर देना तीसरी लेयर पर, ठीक हो गया। और दूसरा ऑप्शन जो इसमें इनक्रप्शन का आता है, ये आगे मज़ीद दो हिस्सों में बटा हुआ होता है इनक्रप्शन। इसमें एक चीज़ आती है प्लेन टेक्स्ट और दूसरा होता है सेफर टेक्स्ट। ये क्या, किस जगह इनक्रप्शन किस जगह यूज़ हो रहा है, ये उस जगह यूज़ हो रहा है कि जिस जगह, जैसे कि हम पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, हम पासवर्ड जो लगा रहे होते हैं वो होता है प्लेन टेक्स्ट में, जिसे ये आ गया। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई हैकर या कोई भी गैर मुतलका बंदा इस हमारे एक्सेस तक पहुंच जाता है,
जो पासवर्ड है हम लगाते हैं, तो उसे इसका काम ये है कि इसको कन्वर्ट कर देना साइफर में, ठीक है, साइफर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये जो बंदा जो इसे मतलब बीच में इसे एक्सेस करना चाह रहा है या कोई इसमें कुछ मतलब पैदा कर सकता है, वो इसे ना समझ सके। देन फिर जब वो दूसरा बंदा जो होता है जिसके पास हम भेज रहे होते हैं, जो एग्जैक्ट रिसीवर लोकेशन होती है, जब ये उसके पास जाएगा तो फिर दोबारा इसे वो इसे कन्वर्ट कर देगा उस लैंग्वेज में, उसी उसमें प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। ये काम होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के, ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मज़ीद OSI मॉडल की लेयर्स। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।